हम लोग एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे जी। सबसे पहले हमें एक कैलेंडर का फॉर्मेट बनाना है। कैलेंडर के फॉर्मेट के लिए मैं क्या करता हूं, पहले कुछ मंथ ईयर ये मुझे देना होगा। नीचे मैं क्या करूंगा, डाटा में जाके मैं डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा और इसमें एक लिस्ट टाइप करूंगा 1 2 3। टोटल नंबर डाल दूंगा जितने भी मंथ में होते हैं। अब मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा मंथ है ठीक है जी, 12 तक मंथ हो गए। ईयर में मैं डाल देता हूँ कुछ नंबर्स, वापस डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। लिस्ट में कुछ ईयर डाल देता हूँ 2014, 2015, 2016, 3 साल के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ से मैं मंथ चूज कर सकता हूँ और यहाँ से ईयर चूज कर सकता हूँ ठीक है जी। मैंने आपको एक टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में बताया था, तो मुझे बेसिकली इससे क्या करना है, मंथ और ईयर रिटर्न कराना है, बाकी 1 से 31 तक तो वही सेम डेट होते हैं। उसको कंडीशन के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आना चाहिए मंथ एंड ईयर। सो हमने कस्टम फॉर्मेट सर पढ़े थे उसका यूज करेंगे। मैंने बोला था कि जब वैल्यू आपको रियल में चाहिए तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ठीक है जी। ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्मूले में क्या है कि वैल्यू लेनी है। सबसे पहले तो मैं इसमें डायरेक्टली इसको एक एज अ डेट बनाऊंगा, डेट का फॉर्मूला ले लूंगा जिसमें ईयर यहां से ले लिया मैंने, मंथ इधर से ले लिया मंथ से, और डे अपने आप डाल देता हूँ एक ठीक है। तो ये एक एक डेट, हाँ एक डेट रिटर्न कर रहा है मुझे। प्रॉपर डेट फॉर्मेट में दिखाऊं तो इसमें क्या होता है कि जब मैं इसमें मंथ चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मंथ ईयर तो कंटिन्यूअस चेंज हो रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या दिखाना है, एक टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के इसको फॉर्मेट कर देना है MMMM और YY, ये कस्टम फॉर्मेट दे दिया तो मेरे पास ठीक है इस तरह से आएगा। ठीक अब है, यहां जैसे ही चेंज करूंगा ये जून 15, ये इस हिसाब से चेंज हो रहा है ठीक है सर। अब मैं क्या बट करूंगा जब ये, आपने इससे इससे पहले संदीप, इससे पहले आपने वो दिखाया था ये डेट का फॉर्मेट, हाँ तो जी इसमें डेट का ही फॉर्मेट आता है, अगर मैं उसमें मंथ डालूं या ईयर डालूं नहीं चलेगा, ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है फॉर्मूला। हाँ जी सर, उसमें जो डेट का फॉर्मूला था, हमने डेट टाइम फॉर्मूला पढ़े हैं ना अभी। उसमें वर्ड डेट ही रहेगा, वर्ड ईयर नहीं रहेगा, वर्ड डेट ही रहेगा, वर्ड मंथ नहीं रहेगा, हमेशा डेट ही रहेगा। ये जैसे आपका पहला है तो आप नीचे देख रहे होंगे टिप में दिखा रहा होगा कि ईयर पहले डालना है आपको, फिर मंथ डालना है, फिर डे डालना है। नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दिखाता ओके हूँ ओके, ठीक है जी। फिर ठीक है मैंने ठीक है टेस्ट के ठीक है फॉर्मूला से ठीक है किया। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू ओके से पहले का फॉर्मूला कॉपी कर लूंगा ठीक है जी, और इसको उठा के इस फॉर्मूला में डाल दूंगा अपने टेक्स्ट वाले में। C3 में मैंने डेट यहां से ली थी, अब मैंने वो फॉर्मूला यहां डाल दिया। तो क्या हो गया, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं ठीक है जी, ये फॉर्मूला सेल्फ डिपेंडेंट हो गया। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा और ऊपर वाले टेक्स्ट को एक फॉर्मूला में बदल दूंगा। किस तरीके से, यहां से इक्वल टू लगा दूंगा और टेक्स्ट आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास में ही आता है, एक स्पेस दे देता हूँ। फिर कंकैटिनेशन हमने किया ठीक था है और उसके आगे फॉर्मूला दे दिया हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो अभी कंकैटिनेशन हमने यूज नहीं किया, खाली एंड लगा दिया, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो मर्ज कर दिया। हाँ जी सर,
माउस नाचने लग रहा क्लिक हो जा आराम से, बड़ी मेहनत करनी पड़ती। अच्छा अब देखिए, अब ये तो हो गया मेरा, फिक्स हो गया। अब मुझे यहां से फॉर्मूला हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां मैं सेट कर चुका हूँ इसको। अब यहां से जैसे ही मैं ठीक है। चेंज करूंगा, तो सबसे पहले तो मेरा टेक्स्ट चेंज होने लग गया ऊपर, ठीक हाँ चेंज हो है। रहा है। ठीक है जी, तो ये ऑटोमेटिक हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, कलर चाहो तो चेंज कर दूं, जो मर्जी कर दूं। अब बात आती है एम्प्लॉय डेटा की, तो एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ, नेम डेल दे देता हूँ, और एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी मेरे। उसके बाद मेरे डेज आ जाएंगे। डेज में क्या होगा, वही डेट का फॉर्मूला जो मैंने यूज किया, क्योंकि मुझे डेट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ईयर यहां से ले लूंगा, मंथ यहां से ले लूंगा, और डे जो है वन डाल दूंगा, ठीक है जी। अब यहां पे तो मेरे ठीक है। को क्या हो गया, इसमें मैं क्या करूंगा, इसका जो कस्टम फॉर्मेट है, यहां से कस्टम फॉर्मेट से मैं खाली यहां पे क्या कर दूंगा, डी डी कर दूंगा, चलो, या डी ही कर दूंगा जो भी, ताकि मुझे खाली दिन दिखाए। और क्योंकि ये डेट है, पर कस्टम ठीक है। फॉर्मेट से मैंने विजिबिलिटी के लिए सेट किया है। अब इसमें मैं हर एक में एक प्लस करता जाऊंगा। अब ये फॉर्मूला को आगे कॉपी कर दूंगा, ये हर एक में अपने आगे वाले में एक प्लस करके आगे जाता जा रहा है, आगे जाता जा रहा है। अब ये डेट है, अब देखिए 31 के बाद अपने में, अपने आप एक में बदल गया ना, क्योंकि ये डेट दिखा रहा एग्जैक्टली अगस्त था इसलिए। है। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटो फिट कर देता हूँ। अब ऐसी कंडीशन में जब माउस ना चल रहा हो, तो ये चीज हमारे शॉर्टकट्स हमारे तकलीफ बहुत, आती हाँ मतलब शॉर्टकट्स बहुत काम काम आती। आते हैं। अब मैं इसमें करूंगा Alt H O, ऑटो फिट करने हैं मैंने, ऑटो फिट कॉलम, कॉलम रो हाइट, ऑटो फिट कॉलम विड आई। तो ये मेरा कैलेंडर सिस्टम बन गया सर। ये क्या किया, दोबारा कीजिए संदीप। ये मैंने किया नहीं, आई थिंक ऑटो फिट कर इसको दिया सर कैसे किया मैंने, दोबारा से। Alt H, और यहां से फॉर्मेट में गया मैं, इसमें ठीक है। यहां से मैंने ये ऑटो फिट कॉलम विड कर दी, कॉलम विड कर दिया, ठीक है जी। या तो मैं कॉलम विड अपने मन से दे सकता हूँ, कितने पॉइंट की चाहिए, 10 की कर दूं, 10 ज्यादा हो गया, या फिर 10 ज्यादा हो गया। ऑटो ओके, तो ऑटो फिट वो अपने आप ले लेते हैं। अपने आप ले लेता है। पर मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा कुछ 2 के हिसाब से इसमें मैं 3 दे देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है। अब परफेक्ट है, इतना ही बट चाह जब वो रहा ऑटो था। फिट लेता है तो ऑटो फिट क्या समझ के पूरा एक पेज कंसिडर करता है प्रिंट के वक्त। नहीं नहीं सर, ऑटो फिट का जितना मतलब वो कंप्यूटर क्या समझता है। ऑटो फिट का मतलब ये समझता है कि जितना आपका मिनिमम में आपका टेक्स्ट विजिबल रहे, इतनी विड्थ लेता है। मिनिमम में आपका टेक्स्ट विजिबल होना चाहिए, कॉलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। सपोज मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को अगर ऑटो फिट करता हूं, तो देखिए क्या होता है, और H O I, तो डी ओ जे जहां तक आ रहा था ये वहां तक ले गया। ओके ओके, फालतू का नहीं लेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फालतू का नहीं लेगा, तो उस हिसाब से हो गया। स्पेस जितना चाहिए स्पेस उसको चाहिए उतना ही लेता है। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या करते हैं कि अब कैलेंडर ऐसे तो बन गया, पर सर अब हमारी नीचे डेट है, हम इसको क्या करते हैं, डे का नाम दिखा देते हैं, और अच्छा लगेगा इसमें। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट का वही फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे से लगा के फॉर्मेट टेक्स्ट में दे देंगे डी डी डी, संडे मंडे आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये आ गया, आ गया। इसको मैं यहां तक पूरा पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसको ऑटो फिट कर देता हूं ये किसे फॉर्मेट प्रिंटर से किया आपने या ड्रैग किया जस्ट। मैंने, सर कॉपी पेस्ट किया। देखिए ओके। कंट्रोल, ये शॉर्टकट का एक तरीका है, कंट्रोल के साथ जब मैं एरो की दबाता हूं, तो लास्ट तक पहुंच जाता है। फिर मैं यहां पे ओके आया, फिर मैं लास्ट रेंज तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ठीक शिफ्ट है। कंट्रोल के साथ, जैसे आप चलेंगे। अब इसमें आ गए हमारे डे वगैरह, आ गए सारे आ गए।
ठीक है जी। पर अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई महीना है फरवरी ही मान लेते हैं, तो अब तो ये 29 से परे चला गया है जी, तो उसने एक दो ले लिया ना ऑटोमेटिकली। और एक दो ले लिया पर कैलेंडर में एक दो नहीं आता सर आगे का, है ना। कैलेंडर में तो पूरे जितने दिन है उतना दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल वही इफ हाँ के फॉर्मूले यूज होंगे, कब से, जब से ठीक हम है, जानते हैं कि चेंजिंग हो सकती है, तो 28 तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, किसी भी मंथ में रहेगा तो। हाँ जी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास फॉर्मूला है सर, डेट टाइम में एक फॉर्मूला है कि जब मुझे किसी एंडिंग मंथ जानना हो तो ईओ मंथ का फॉर्मूला है। तो मैं इसमें ये कर देता हूं कि अगर ये ग्रेटर देन है ईओ मंथ क्या करता है, एंड ऑफ मंथ है, इसमें दो चीज लेता है, स्टार्ट डेट और मंथ। स्टार्ट डेट में ये वाली दे देता हूँ सबसे आगे जो है, इसका मंथ ऑटोमेटिकली निकाल के चेक कर लेगा, और मंथ्स में यहाँ पे जो सेकंड मेरा पैरामीटर है उसमें 0 सेट कर दूंगा, मतलब उसी मंथ का लास्ट मंथ मुझे चाहिए। ठीक है जी, अब वो मतलब चेक, इसको रीड कैसे करेंगे फॉर्मूला को, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ AE5 को पकड़ रहा है मतलब एंड ऑफ द अगर, मंथ राइट, हाँ या अगर फिर 28 पकड़ रहा है या एंड ऑफ द मंथ पकड़ रहा है उसको। देखिए मैंने लगाया 28 में, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 28 हो सकती है। अब मैक्सिमम तक मुझे फाइंड करना है, कैसे करूंगा, पहले एक लॉजिकल टेस्ट तैयार किया कि क्या ये वाली वैल्यू में एक मतलब क्या हमारी ये जो लास्ट की वैल्यू है क्या एंड ऑफ मंथ यही है। ठीक है जी, ओके तो इसके लिए या तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, प्लस वन में तो हम ग्रेटर देन लगाएंगे या इक्वल टू करेंगे, तो प्लस वन करने की जरूरत नहीं है, है जी। अगर मैं ये कर देता हूँ AE5 इक्वल टू ईओ मंथ, तो वो मेरे को रिजल्ट दिखाएगा कि अगर वो एंड ऑफ मंथ होगा तो मुझे ट्रू दिखा देगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। ठीक है जी, हाँ मैं समझ गया, बट इसमें अभी अभी आप दिखा रहे हैं कि अगर ये 28 + 9 इज मोर देन एंड ऑफ द मंथ, तो एंड यस। ऑफ द मंथ वो अपने आप पकड़ेगा कि भाई फरवरी का एंड 28 है और अब मार्च एंड, का एंड 31 है, वो अपने आप पकड़ेगा। हाँ वो फॉर्मूला है सर उसके लिए, ये एंड ऑफ मंथ इसी का ही फॉर्मूला है। ठीक है जी, ओके एंड ऑफ मंथ, फिर आपने लिखा D5 हाँ D5, वैल्यू और इफ ट्रू देन D5 अब एंड ऑफ मंथ ठीक में ये आपको गलत दिखा रहा है। अब मान लीजिए D5 किस लिए है, एंड ऑफ मंथ के पैरामीटर देखिए, स्टार्ट डेट मांगता है कि स्टार्ट डेट कौन सी है और कौन सा महीना है। अगर 0 डालूंगा तो मतलब सेम डेट जो सिलेक्टेड है उसी का मंथ चाहिए, 1 डालूंगा तो उससे अगला वाला मंथ का एंड ऑफ मंथ दिखाना है। तो 0-1 का कॉन्सेप्ट यहाँ ओके पे है। स्टार्ट डेट मैं चाह रहा हूँ कि जो महीना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वही रहे, तो मैं इनमें से कोई 28 से पहले पहले में से कोई भी दिन उठा लूंगा, उस डेट का मंथ निकाल के देगा, लास्ट डेट निकाल के दे देगा। मतलब कोई भी, अगर मैं 12 भी उठाऊं तो पहले चेक करेगा कौन सा मंथ है, फिर चेक करेगा कौन सी लास्ट डेट है, वो रिटर्न कर देगा उस मंथ की लास्ट डेट। अच्छा ठीक है सर, तो अब मैंने चेक किया कि अगर मैं इसमें, अगर 28 में मैं एक जोड़ दूं और वो एंड ऑफ मंथ से बड़ा हो जाए तो मुझे क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर में, अदरवाइज क्या करना है मुझे, AE5 में +1 कर ही देना है। ठीक है जी, अब मैं इसमें D5 को फिक्स कर देता हूं, क्योंकि डेट तो यहीं से ही लेगा वो। ठीक है जी, यहां कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे पेस्ट कर देता हूँ, पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां तक तो ठीक है, पहले में ब्लैंक आ गया दूसरे में नहीं आया। दूसरे में इसलिए नहीं आया कि जब पहली वाली ब्लैंक है तो उसमें जोड़ूं क्या, इसलिए एरर दे रहा है। तो यहां पे इस ऐसी कंडीशन में लगा दीजिए इफ एरर, इसी फॉर्मूला में आगे इफ से पहले इफ एरर का एक लगा दीजिए, कि इसमें भी कोई अगर एरर आती है तो वैल्यू इफ एरर क्या होनी चाहिए, ब्लैंक होनी चाहिए। ठीक है जी, अब इसको मैं पेस्ट करता हूं तो ये ब्लैंक हो गए सर, आगे वाले भी।
अब देखते हैं इसको चेंज करके, अपने मंथ्स को चेंज करके देखते हैं। जैसे जनवरी है पूरे 31 आ गए, फरवरी है 29, 31, 30, तो सारे मंथ लेने लग गया। ठीक है सर, मतलब वो अपने आप ऑटो एडजस्ट कर रहा है। बट हमने उसको क्या कमांड दिया था, हमने उसको बोला था देखिए 28 डे में 1 जोड़ के, राइट ना? इफ 28 प्लस 1 इज मोर देन एंड ऑफ द मंथ। हाँ, वन हमने सर जब जोड़ा था, वन में हमने देखिए फ्रीजिंग नहीं लगाई है। पहली चीज तो AE5 में मैंने फ्रीजिंग नहीं लगाई है, मैंने फ्रीज जो किया है वो खाली D5 को किया है। मतलब वो अपने आगे आगे वाली डेट को करता रहेगा, मतलब AE5 लेकिन यहाँ हमने है हमने हमने AE5 ही क्यों लिया है संदीप? क्योंकि सर मिनिमम किसी भी साल में मिनिमम जो डेट होगी वो 28 होगी, उससे मिनिमम कोई किसी मंथ की डेट 27 नहीं हो सकती, मतलब एंड डेट 27 नहीं हो सकती, 28 होगी ना सर, ओके, मिनिमम टू मिनिमम। एग्जैक्टली। हाँ तो अब मैंने क्या किया 29 भी कि हो सकती है हाँ अगर ये वो आप जैसे फरवरी 16 है, ये फरवरी 16 तो आपका 2016, ये तो 29 हो गई, इसमें इसमें 28 होंगे ही नहीं। हाँ तो अगर 28 वाला केस आता है तो ये अपने आप रिड्यूस कर जाएगा। 2014 में अपने आप रिड्यूस कर गया क्योंकि मिनिमम इतनी रहेगी सर, मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है। मैक्सिमम के लिए ही मैंने फॉर्मूला लगाया है कि चेक कर लो, क्योंकि अगर ये जैसे फरवरी में चेक कर रहा हूँ, फरवरी 2014 में मैं चेक कर रहा हूँ कि 28 फरवरी 2014 की जो डेट आएगी 1 मार्च, वो बड़ी होगी, वो डेफिनेटली बड़ी होगी एंड ऑफ फरवरी के एंडिंग डेट से, एग्जैक्टली क्योंकि एक्सेल जो करता है उसे नंबर सिस्टम में कैलकुलेट करता है, तो मान लेता है कि हाँ तो छोटी अभी है। मैं इसको अगर अगर मैं इस फॉर्मूला अभी मैं फॉर्मूला अगर इसको रीड करूं, हाँ जी अभी मैं इफ एरर को रहने देता हूं, ठीक है ना? हाँ मैं खाली पढ़ता हूं इफ से। इफ AE5 + 1 इज ग्रेटर देन एंड ऑफ मंथ, हाँ देन D5। D5 का मतलब हो गया आपने उसको फिक्स कर दिया कि वो अगर ये ये एंड ऑफ मंथ का सर पैरामीटर है, D5 एंड ऑफ मंथ का पैरामीटर है। ये पैरामीटर क्या है वो देख लेते अच्छा हैं, पैरामीटर क्या है, मैंने इसमें एक स्टार्ट डेट दी है एंड ऑफ मंथ का। देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें दो पैरामीटर मेरे से डिमांड कर रहा है, कह रहा वैल्यू तो मैं जब दूंगा जब आप मुझे खुद वैल्यू दोगे, बताओ तो सही किसका करना है मुझे, अगर कौन मान सी। लो मैं इसमें सपोज कर लो मैं E6 कर E5 कर देता तो वो फिर दो हाँ तरीके से लेना चालू कर देगा हर मंथ। नहीं सर वो 2 तारीख से नहीं सपोज लेगा। मैं E5 कर देता हूं इसको, या उसको देखिए सेम मंथ की आप कोई भी डेट प्रोवाइड करें तो वो उसकी लास्ट डेट ही रिटर्न करेगा, मतलब उसी मंथ की कोई भी डेट प्रोवाइड करेंगे तो वो लास्ट ही मंथ करेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए ठीक है। अब जैसे मैंने एक मान लिया 1 जनवरी 14, ठीक है, इसमें मैंने कर दिया ठीक फिर है, नेक्स्ट 15 जनवरी 14, नेक्स्ट मैंने कर दिया अब मैं 16 फरवरी 14, ठीक है जी। अब देखिए इसमें मेरा एंड ऑफ मंथ कैसे काम करता है, ईओ मंथ, इसमें स्टार्ट डेट यही लेगा और मंथ मुझे जीरो ही डालना पड़ेगा। जीरो का मतलब है कि ये जो डेट है इसी का मंथ है, अगर एक डाल दूंगा तो ये फरवरी का देने लगेगा, ठीक है जी। इसको डेट फॉर्मेट में मैंने कर दिया और नीचे मैं करता हूँ ड्रैग, तो देखिए ओके। दे रहा है ना सर, ये कुछ भी हो आप पहली दें दे, वो दें उस मंथ की लास्ट ही डेट देगा, डेट कोई भी हो। ओके 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 हाँ तो मैंने कहा क्यों इतना कंफ्यूजन करूं, तो पहली वाली पकड़ा दी मैंने, इसका एंड ऑफ मंथ बताओ। अच्छा। अब मैंने बाकी क्या अगर हम कोई भी पकड़ेंगे वो वही बताएगा। हाँ जी उसी मंथ का, ये मंथ चेक करेगा खाली, आपकी डेट नहीं चेक करेगा कि आपने क्या दी है, कोई भी डेट 15 पकड़िए कि 20 पकड़िए, आप कोई भी पकड़ेंगे वो मंथ वही पकड़ेगा। हाँ वो मंथ लास्ट ही डेट आपको रिटर्न करेगा। तो यही तो मेरा क्वेरी था, यही तो मुझे चाहिए था, मैं 31 तक लिख रहा हूँ, क्वेरी आई, मैंने क्या किया एक प्रोसीजर बनाया कि आगे वाली डेट में एक जोड़ के आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है जी। यहाँ तक 28 तक तो आ गए, अब यहाँ मैंने अगली में कंडीशन कर दी, मैंने कहा चलो 29 तुम डाल तो दो पर ये चेक कर लो कहीं वो एंड ऑफ मंथ से ज्यादा तो नहीं है,
और ज्यादा है तो ब्लैंक कर दो, और नहीं है ओके। तो अपना कंटिन्यू रहो वैसे ही। ठीक है जी, अब यहां तक तो अगर हम कंटिन्यू उल्टा रहो। बनाते हैं, मान लो अगर हम इसको उल्टा बनाते हैं, अगर ये 31 का मंथ होता, सपोज कर लो अभी तो फरवरी लिया आपने, अगर मैं हाँ इसको मार्च लेता, ठीक है, हाँ तो वो 31 रहेगा। तो हम हाँ 31 में भी फॉर्मूला डाल सकते हैं कि भाई इफ ए सपोज आता हमारा AH5, सपोज कर लो, हाँ 29 30 31 वहां पे आता ना, हाँ AH5 हाँ में आता ना। हाँ अगर मैं बोलता कि इफ AH5 इज लेस देन, मैं प्लस नहीं करता, मैं उसको AH5 ही रखता, जस्ट इफ AH5 इज लेस देन एंड ऑफ द मंथ, और करता कि कोई भी डेट D5, इफ इट इज ट्रू, अदरवाइज AE5+1, हाँ कर सकते हैं सर। या माइनस में कर सकते हाँ हैं ना, उल्टा भी आ सकते हैं ना 31 से। हाँ ओ हाँ उल्टा भी आ सकते हैं सर, वैसे भी आ सकते हैं। तो ठीक, कंडीशन आपके ऊपर है, जैसी मर्जी बना लीजिए। अब देखिए इफ एरर की यूज कहाँ पड़ी, जैसे ये इस सेल में आ रहा है, अब इसे तो प्लस माइनस करने की आदत थी अपने आगे वाले में, एक प्लस जोड़ने की। अब यहाँ कोई वैल्यू मिली नहीं उसे, तो उसने एरर रिटर्न करा। क्या है कि आप कह रहे हो कि एक जोड़ो, पर किस में जोड़ूंगा, तो ब्लैंक है, तो यहाँ एरर कर रहा था, इसलिए एक एरर लगाया। ठीक है जी, कि अगर एरर आए हाँ तो तब यहाँ भी एरर ब्लैंक कर दिखा रहा दो। था वो तो, हाँ तो तब भी ब्लैंक कर हाँ तो दो, एरर है तो हमने बोल दिया अगर एरर है तो एरर मत दिखाना उसको, ब्लैंक उसको खाली दिखाना। स्पेस दिखा देना, ऐसा ना। हाँ स्पेस भी नहीं हाँ दिखाना, ठीक डबल है, इन्वर्टेड कॉमास है विदाउट स्पेस के, तो मतलब ब्लैंक हाँ ही विदाउट होगा। स्पेस, यानी कुछ भी नहीं दिखाना है, मीन टू से एरर नहीं दिखाना। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब ये जो था हमारा कैलेंडर की तरह बिहेव करने लग गया। ठीक है जी, और डेट थी तो ऊपर के सैटरडे संडे भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि ये डेट है नीचे वाली, हमने दिखा तो वैसे ही रखी है, डे दिखा रखा है, पर है तो पूरी डेट ही, तो उसी बेस पे ये भी एग्जैक्टली दिखा रहे हैं। तो ये बन गया हमारा सही है, कैलेंडर। ठीक है जी। अब चलते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है, कि कुछ एरिया कलर होते हैं। अब देखिए हमने कंडीशन डाल के यहां तो कर दिया, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सैटरडे संडे जो है मेरे, मतलब येलो कलर से हाईलाइट होनी चाहिए पूरे यहां तक। ठीक है जी, ऑल सैटरडे संडे मेरे हाईलाइट होने चाहिए, राइट ना। हाँ जी हाँ जी। तो सैटरडे संडे हाईलाइट होने चाहिए। अब कैसे होंगे सर, देखिए मैंने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू चेक करनी है, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाना है कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू संडे है, क्या देगा ये, ट्रू दे देगा। अब मैंने आपको एक एंड का फॉर्मूला, और का फॉर्मूला बताया था। और का बताया था, यस। हाँ तो इसमें मैं दो कंडीशन दे सकता हूँ, संडे हो या सैटरडे हो, दोनों चेक कर लो, सैटरडे हो या संडे हो। ठीक है, तो ये ट्रू दे दिया इसने कि हाँ है। अब मुझे हाँ उसने बोल दिया यही, भाई सैटरडे या संडे में से दोनों में से एक हो, हाँ राइट ना, अब इसमें तो इसका ट्रू ना मैं, बताए। हाँ जी, अब मैं इसमें इसका रो फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं ड्रैग करूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो वो रो ना चेंज हो, कॉलम तो चेंज होना चाहिए पर रो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने 4 के आगे 4 के आगे लगा दिया डॉलर। अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा, पूरा फॉर्मूला कॉपी कर लिया मैंने, और उस सेल पे जाऊंगा जहां से मुझे स्टार्ट करना है, जैसे मुझे इस डेट पे यहीं दिखाना है इस कैलेंडर सिस्टम। अब मैं चला जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे चला जाऊंगा। अब यहाँ पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, अब इसमें मैं ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, अगर इस फॉर्मूले में ट्रू आया तो उसको कलर करेगा। तो फॉर्मेट इसमें फिल मैं करूंगा येलो कलर, येलो कलर
ओके, अब इसमें क्या करूंगा, मैंने फॉर्मेट पेंटर लेना है, यहाँ पंगा हो गया। अब मेरा माउस देखते हैं कितना साथ देता है। आ जा आ जा आ जा, आ गया। ठीक है जी, तो गुड ठीक। सैटरडे संडे हो गया हाईलाइट। और तो कि क्योंकि ये अब इसने कंडीशन, इसने रोज को नहीं किया ना, इसने सैटरडे संडे खुद जो है उसको नहीं किया, क्योंकि हमने रो फिक्स रखा है इसलिए। हाँ, रो फिक्स रख, अगर मैं इसको फिक्स नहीं रखता सर, तो फॉर्मेट पेंटर जब करता तो जिस तरह फॉर्मूला ड्रैग होता है उसी तरह ये रो हट जाती, मतलब इसका रेफरेंस ही नहीं लेता वो। चेक तो इसी में ही करना है और हमने नीचे तक दिया है ओके नहीं? ओके, तो इसने अब हाईलाइट कर दिया ये सिस्टम। अब इसमें जब भी हम मंथ चेंज मान लो करें, मेरे को सपोज, इसी में ही मेरे को कॉलम नहीं करने हैं, खाली सैटरडे संडे जो जैसे E4 है, F4 है, L4 है, M4 है, हाँ जी, या S4 है, या T4 है, अगर मेरे को खाली वही येलोइश करने हैं, तो उसके लिए सेम फॉर्मूला में मैं क्या चेंज करता? कुछ नहीं चेंज करना सर, वैसे ही रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। फार्मूला अगर सेम रहेगा, हाँ, अगर मैं ऊपर भी कर बट दूंगा मैं जब तो फॉर्मेटिंग करूंगा, जब जब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, अगर मैं सेम फॉर्मूला पेस्ट करता हूं, हाँ, तो मुझे फिर सैटरडे संडे जो वर्ड है वही खाली मेरे को येलो करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, तो हाँ जी, क्या चेंजेस आते? कुछ नहीं होता सर। जैसे आप ना, मैंने स्टार्टिंग की यहां से, आप यहां से कर देते, इसी को ही चेक कर लेते कि इक्वल टू वो है कि नहीं। वही तो किया है मैंने, सबसे सिंपल फॉर्मूला लगाया कि ये चेक कर लो कि ये सैटरडे हो या संडे हो, बस इतना ही तो करना था, यही किया है मैंने। हाँ, ये सैटरडे हो या संडे हो, वो ट्रू है कि हाँ नहीं है, राइट हाँ ना? अब मैंने रो ऊपर वाली इसलिए फिक्स की कि चाहे वो इस सेल में लगा हो तो भी वो इसको ले, वो नहीं तो इस पे चेंज हो जाता, फिर इस पे चेंज हो जाता, इस पे चेंज हो जाता, यहाँ सैटरडे संडे मिलता नहीं, तो एक आध को हाईलाइट कर देता यहाँ पे पहली वाले को, औरों को करता नहीं। तो उसकी रो मैंने फिक्स कर अच्छा दी अच्छा है, अच्छा रो फिक्स हो गई, तो जितना नीचे तक फॉर्मूला कॉपी करूंगा ये चलता जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अब ये सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे संडे चेंज हो रहा है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है सर, अब ये हो हाँ, जहां गया। सैटरडे संडे आ रहा है वो चेंज हो रहा है। हाँ जी, अब एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं कि जहां पे ब्लैंक है। अब सर जैसे मिनिमम ये है तो यहां पे ब्लैंक है, अब जहां ब्लैंक है वहां मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो सिंपल सा फॉर्मूला वही लगाना है अपना, इक्वल टू करके उस सेल रेफरेंस पे लेना है। मैं ऊपर वाला ही चेक करा लेता हूँ या नीचे वाला, यहाँ का चेक कराऊँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 या 5, अगर इक्वल टू ब्लैंक है, सिर्फ इतना फॉर्मूला बस। इसमें क्या करना है मुझे, इसमें भी रो फिक्स करनी है। इस फॉर्मूला को कॉपी किया मैंने और चला गया जहां मुझे पहले फॉर्मूला लगा है, तो मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूँ, यहां से फॉर्मेट पेंटर मार दूंगा। तो यहां से न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ फॉर्मूला डाल दूंगा, यहाँ फॉर्मेट चूज कर दूंगा। फॉर्मेट में अब ये बॉर्डर का सेक्शन है मेरे पास, ये वाला, यहाँ पे क्या कर दूंगा, ओके, यहाँ से अनचेक कर दूंगा सारे, मतलब ब्लैंक कर दूंगा ओके ओके, यहाँ पे ये सारी, मतलब जो पहले हल्का हल्का आ रहा था ना उसका मतलब था हो ना हो कोई, तो जैसा भी हो वैसा रहने, अब ये कर दिया, अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे सेट हो गया। ओके कर दिया मैंने, ओके ओके, ठीक है। अरे हो जा, तो ये मैंने ऐसा सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए पहले वहां से तो गायब हो गया, अब वहां से फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करके फॉर्मेट फॉर्मेट प्रिंटर, हाँ आ गया, ये मैंने पूरे पे यहाँ तक कर दिया। अरे हो जा हो जा, ठीक है सर। अब जहाँ ब्लैंक है वहाँ बॉर्डर नहीं दिखाएगा, उतना एरिया पे मारा। अब जैसे मैं ये करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, जैसे आगे कर रहा हूँ वो हो जा रहा है,
जैसे ही मैं कम पे आता हूँ, जैसे 4 पे आता हूँ तो एक कम हो जाता है। अभी इसमें फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसको सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 28 के बाद यहाँ पे फॉर्मेट अलग दिखा रहा है, इसको यहाँ से सही कर लेता हूँ मैं। कस्टम में था और यहाँ डी था, हो गया। अब यहाँ जैसे चेंज करता हूँ तो सही दिखाता हूँ, ठीक है सर। ठीक है, और ये इसमें थोड़ी सॉफ्टवेयर जैसी लुक आ गई। हाँ सॉफ्टवेयर जैसे अब क्या करते हैं, अब तो अपना इसमें थोड़ा इसमें अभी हमने इफ 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 लगाने की जरूरत नहीं है। इफ जहां पे अभी हमने अच्छा इफ लगाने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इसमें लॉजिकल नहीं था। जस्ट अगर हमने दिखाना था कि इफ इट इज ब्लैंक देन चेंज द बॉर्डर बॉर्डर। टू नो बॉर्डर, हाँ सर, इसको इस तरह राइट से ना? हाँ इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे इफ हम हर अपनी वैल्यूज में लगाते हैं, जो रिजल्ट आता है उसमें लगाते हैं, पर जब हमें फॉर्मेटिंग बोल्ड इटैलिक कलर भरना है या कुछ भी करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही यूज होता है, तो सारे फॉर्मूले उसमें लग जाते हैं, बस सिंपल था फर्क। फॉर्मेटिंग में अगर हाँ तो आपको इसमें हमें हमें कंडेंस, हमने जस्ट इज इक्वल टू करके करा, हमने इफ नहीं करा ना इसमें। हाँ जी इसमें हाँ जस्ट जी इज इक्वल टू करा कि भाई इज इक्वल टू इफ इज इक्वल टू इफ AF5 इज ब्लैंक देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड डू द बॉर्डर विदाउट बॉर्डर, राइट ना? हाँ जी हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हॉलीडेज और डालते हैं, और डाल देते हैं। चलो सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही, पर हमारी कुछ सरकारी छुट्टियां भी हैं तो सरकारी छुट्टियां ले लेते हैं सर। आपकी सरकारी कोई सरकारी छुट्टी नहीं होती यार, आप तो दिन भर लगे रहते हो, सैटरडे संडे को भी लगे रहते हो आप तो। हाँ हाँ सर, ये तो हमारा इंटरेस्ट है ना सर, ये हमारा इंटरेस्ट है। हमें ऐसा लगता है कभी कोई हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसे हमें ढूंढने में दिक्कत होगी, फिर हम और सीख जाएंगे, बस तो यही रहता है हमेशा। गुड यार, गुड। हमने सर सिखाना ही इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हम और क्योंकि अकेले बैठे क्वेश्चन नहीं आते, जब और लोग पूछेंगे तो क्वेश्चन किसी के दिमाग में क्या आ जाए। हाँ फिर क्वेश्चंस आएंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपका भी डेवलपमेंट और बढ़ता ही जाएगा। हाँ जी हाँ जी। अब सर्च करते हैं गजेटेड हॉलीडे, मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ जिसको मैं कॉपी कर सकूँ। यहाँ तो रीजन वाइज है, आ जा। स्टेट अलग अलग स्टेट के तो इनकी छुट्टियां ही है, वो सारी छुट्टियां एक ही आप में हरियाणा का ही होती उठा लो हैं। ना यार, आप हरियाणा का ही उठा लो ना यार। हरियाणा का ये हरियाणा डे ले लो, 1 नवंबर 1966 हरियाणा छियासठ के फिर भी काफी छुट्टी दे दी, चलो दे देते हैं सर। ले लो। इसको अगर एक्सेल में पेस्ट करना कर सकते हैं हम हाँ जी हाँ जी संदीप? हाँ, ये क्योंकि ये ना एक टेबल के ही फॉर्मेट में है एक तरह से, तो जब आप पेस्ट अच्छा अच्छा करेंगे अच्छा तो तो ये एक्सेल टाइप टेबल, ही है ऑलरेडी, हाँ जी हाँ जी, तो ठीक। पेस्ट करेंगे तो सही आ ही जाएगा। बाकी इसको मैंने फॉर्मेट उड़ा दिए जो फॉर्मेट हमें हो दे, गया। हाँ फॉर्मेट उड़ा दिए जो डिस्टर्ब कर रहे थे, बाकी इनको डेट फॉर्मेट में कर देता हूँ, मुझे तो डेट से मतलब है खाली, बाकी डिस्क्रिप्शन है तो ठीक है, नहीं नहीं भी हो हाँ तो डेट कोई। कॉपी करने, अब मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली। अब ब्लैंक वाले उड़ाने हैं, मुझे तो डेट चाहिए फ्रीक्वेंट, तो मैं क्या करूंगा, इसमें फिल्टर लगा दिए मैंने, यहां से मैंने ब्लैंक जो है चूज कर लिए,
यहाँ से जाके टेस्ट स्पेशल में विजिबल ना वो गो टू स्पेशल में से विजिबल सेल्स ओनली से डिलीट कर दिए। विजिबल सेल्स ओनली सर इसलिए करता हूँ कि कहीं मेरा मेन डाटा ना डिलीट हो। अब क्या है कि ये फ्रिक्वेंटर है, अब इसको क्या करते हैं एक नाम दे देते हैं। इनकी डेट को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे ये जो नेम बॉक्स है ना सर यहाँ से भी आप डायरेक्ट नाम दे, इसको मैं कर देता हूँ एच एल मीन्स हॉलीडे लिस्ट। अगर मैं इसको इक्वल टू एच एल करता हूँ ना तो ये आपको सिलेक्शन यहाँ दिखाएगा पूरे इसके डेट में। और दूसरा मुझे इसमें फ्रीजिंग लगाने की भी जरूरत नहीं होती, कॉलम फ्रीज करने की जरूरत नहीं होती। तो एच एल मेरा उस रेंज में आ गया। अब हॉलीडे लिस्ट आ गई। अब सर वी लुकअप फंक्शन में करूंगा, वी लुकअप आपको आता है वैसे पहले से? नहीं वी लुकअप मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पीएनएल में पढ़ता जरूर हूँ बट कभी इतना खुद नहीं लगाया, बट मैं रीड करता हूँ जस्ट। मतलब फंक्शन पता है उसको किस लिए यूज करते हैं? नहीं 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 वो बेसिकली एक डेटा बेस के तरह काम करता है। मतलब जैसे आपके कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, 1000-2000 एम्प्लॉय हो गए और आपने कहा कि 200 उनको पकड़ा दिया, 200 की लिस्ट अपने असिस्टेंट को पकड़ा दी कि इनकी डिटेल निकाल के लाओ, तो वो तो फाइंड रिप्लेस फाइंड मतलब कर करके डाटा बनाएगा, बहुत टाइम लगाएगा। तो वी लुकअप इसी तरह होता है कि वो एम्प्लॉय कोड के बेस पर फाइंड कर लेगा कहाँ है। तो अभी जैसे वो डेट की लिस्ट है और मैं कोई एक डेट उसमें फाइंड करवाऊंगा, ठीक है जी। देखिए इसको मैं कैसे करूंगा, वी लुकअप इसमें क्या होता है, पहली लुकअप वैल्यू लेता है। तो पहली लुकअप वैल्यू मैंने डेट ही ले ली अपने कैलेंडर से, मैंने डेली डेट उठाना शुरू किया। टेबल एरे जो मैंने वो बनाई थी एच एल, दूसरा कॉलम इंडेक्स, उसमें और कोई कॉलम तो है ही नहीं, एक ही कॉलम है तो, और बाकी यहाँ ट्रू फॉल्स में हमेशा फॉल्स यूज होता है कि एग्जैक्ट मैच फॉल्स ही होगा ना। तो अब ये क्या दिखा रहा है, एरर, जो डेट उसको वहां नहीं मिलेगी वो एरर रिटर्न करेगा तुरंत। इसमें मुझे क्या करना है नहीं, फाइल बट को लॉग, इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, इसमें अभी हम दिखा रहे हैं वी लुकअप में फॉर्मूले में है कि भाई आपका ये अब अगेन हमने D5 लिया है। D5 हमने वो एक सेल मान लेते हैं ना सर। अब जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना उसमें से मैंने क्या किया, खाली 5 को लॉक किया है, D को लॉक नहीं किया। मतलब यहां तक लगाऊंगा तो कॉलम के तो वैल्यू उठाएगा, मतलब ये डेट सेक्शन की वैल्यू उठाएगा और वी लुकअप में चेक करेगा कि इस लिस्ट में है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो अभी वी लुकअप क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, चेक नहीं करता कि है कि नहीं, ये सीधा बताता है तो आपको वैल्यू दिखा देगा, नहीं तो एरर दिखा देगा। अब हमें एक चीज पता है कि अगर अच्छा वैल्यू नहीं है तो एरर दिखाएगा, हम इसी एरर से ही काम चला लेंगे। तो क्योंकि हमारे पास एक इज एरर का फॉर्मूला होता है, इज एरर का फॉर्मूला है, अगर इसमें एरर आ रही है, अब एरर आ रही है तो काम नहीं करना, ठीक है जी। एरर आ रही है अभी तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाके एचएल में दिखेगा। हाँ वो हर अगर वो एचएल में है, हाँ अगर मान लो 7 तारीख है 8 नहीं है, है हाँ हाँ तो क्या करेगा, 7 उधर मिल गई उसको, हाँ 8 नहीं मिली, तो वो 7 के लिए जो भी हम बोलेंगे वो एक्शन करेगा, वो फॉर्मेटिंग में जाके करेंगे ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब अच्छा, मैं करवा क्या रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पहली डेट में उठाया पहली तारीख, दूसरा क्या है मैं इसमें एचएल में देखो है कि नहीं है, नहीं है तो ये वी लुकअप का फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे एरर रिटर्न करेगा। फिर मैंने एक और फॉर्मूला लगाया, दो ही कंडीशन है, वी लुकअप को वैल्यू मिल गई तो वैल्यू ही रिटर्न कर देगा डायरेक्ट, मतलब यही डेट रिटर्न कर देगा, या तो मैं इक्वल टू डेट लगा दूं वी लुकअप इक्वल टू डेट, और या तो एरर चेक वो करवा दूं। कहां पे लगाएंगे? ये इसी अगर में मुझे वी लुकअप है, डेट का डेट ही रिप्लेस करना है मान लो, तो वो ये फॉर्मूले में कैसे करेक्ट होगा? अब देखिए ये फॉर्मूला जो है वैल्यू रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करेगा या एरर रिटर्न करेगा, पर मुझे इससे रिटर्न करवाना है ट्रू की फॉल्स, लॉजिकल वैल्यू रिटर्न करानी है। लॉजिकल के लिए मैं क्या करूंगा कि अच्छा चलो वी लुकअप में जो मर्जी सर्च कर लो और फाइनली इससे चेक कर लो, जो भी अगर तुम वैल्यू लाए हो क्या वो यही है,
मैंने थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया इससे, तो फिर क्या करेगा ये ट्रू फॉल्स में अच्छा रिटर्न करेगा, पर ट्रू फॉल्स में रिटर्न कर रहा है पर एरर में ये भी एरर झटके खा जाता है, एरर में कुछ भी रिटर्न नहीं करता, एरर में फिर से एरर रिटर्न करती गई। तो एरर से बचने के लिए या तो मैं इफ एरर का सहारा लूं, और नहीं तो मुझे ट्रू फॉल्स ही चाहिए, तो मैं ये चेक करा लेता हूँ इस एरर का फंक्शन है मेरे पास, अगर इसमें एरर है तो मुझे बता देगा एरर। तो नहीं, अब आ अगर अगर जा मान लो मैं इसी इसी फॉर्मूले जो अभी आप C4 में कर रहे हैं, अगर मैं इसको C3 में करता हूं मान लो, हाँ, फॉर्मूला सर हम और स्टैंडर्ड बनाते हैं, अब ये फॉर्मूला में ना यहाँ पे लगा रहा हूँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कहाँ कर रहा हूँ वहां से, मैं इसके बेस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं से ही वैल्यू यहाँ पे ही फॉर्मेटिंग शुरू करूंगा, इस सेल में रख के तब कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा, तो वो जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ एप्लीकेबल होगा, यहाँ नहीं, वहां से कोई मतलब नहीं, आप चाहे हाँ, वो यहाँ वैल्यू। फॉर्मूला तो मैं किसी भी सेल में ले सकता हूँ, वो हाँ फॉर्मूला तो मैं किसी भी सेल में ले सकता हूँ। फॉर्मूला जहां मर्जी मैं ये बनाइए कह रहा उसका था, रिजल्ट। मैं हाँ ये हाँ जी सर बताइए। मैं समझ गया, मैं ये कह रहा था कि अगर इसको C3 में ले जाएं, हाँ C3 में अगर सेम टू सेम फॉर्मूला लगा के अगर हम उसको अलोंग द रोड ड्रैग करेंगे तो सारे एरर दिखाएगा। C3 मान लो हाँ C3 में यही फार्मूला आपने लगा दिया और फिर उसको पूरी रो में आप उसको ड्रैग कर देंगे तो क्या नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल दिखाएगा? हाँ जी हाँ जी। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले को ले ही जा रहा हूँ यहाँ, अब यहाँ पे मैं खाली इस एरर का नहीं लगाता, खाली वी लुकअप हाँ, इस एरर मत लगाओ और इसको ड्रैग कर दो कि सारे एरर बताएगा क्या? इसमें अगर वैल्यू होगी वहां पे आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको ऑटो फिट कर देता हूँ ताकि आप देख सकें, तो आप देखिए हाँ, इसने एग्जैक्टली वैल्यू वैल्यू वहीं रिटर्न करी है जहां इसे डेट मिल गई है, 26 जनवरी थी, इसने रिटर्न कर दी। हाँ, बस मैं यही देखना चाह रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी इसने 26 जनवरी भी पढ़ी और इधर 7 जनवरी भी पढ़ा, राइट ना? हाँ जी हाँ जी सारा पढ़ा, मतलब वो मैंने सेट ही उसको ऐसे कर आगे रखा है, वो रो रो लॉक कर दिया, रो से नहीं हिलेगा और कॉलम कुछ छूट है, कॉलम में मूव कर सकता है। अब देखिए 7 जनवरी को तो जैसे इसका चेक मतलब उसने क्या किया, ये जो 41646 है इसने वो HL वाली लिस्ट में देखा और वही की वही वैल्यू इधर डाल दी, ये थे। वहां फॉर्मेट नहीं किया हुआ क्या डेट को? फॉर्मेट हुआ है सर, पर फॉर्मेट दिखाने के लिए आपको उस सेल को फॉर्मेट करना पड़ेगा अलग से, वो कॉपी पेस्ट में बट तो वो जो आपको एचएल चलेगा। वाली एचएल वाली जहां एच हॉलीडेज की लिस्ट थी, वहां वो 41616 था या 7 जनवरी 14 था वहां पे? वहां 7 जनवरी 14 है सर, पर फिर इसमें यही यहां उसने है पकड़ा क्यों ये? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू यही है और ये इसकी फॉर्मेटिंग डेट फॉर्मेट में नहीं हो रखी थी इसलिए। हाँ, तो वी लुकअप हमेशा वैल्यू ही देगा। हाँ जी सर वैल्यू वैल्यू ही देता है कोई हाँ, भी। वैल्यू देता है, फिर अपने को वैल्यू दे के फिर फॉर्मेट अलग से दोबारा फॉर्मेट करना पड़ेगा या वी लुकअप में ही ठोक सकते हैं कुछ? नहीं सर फॉर्मूला तो खाली वैल्यू रिटर्न के लिए ही होता है, कोई भी फॉर्मूला होगा सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा आपको, फॉर्मेट नहीं रिटर्न करेगा, तो फॉर्मेट आपको खुद ही करना पड़ता है, वो कॉपी पेस्ट में ही ये भले फ्लेक्सिबिलिटी है जो भले उधर होती है। उधर उधर 7 जनवरी 14 होगा लेकिन यहां वो वैल्यू ही देगा, राइट ना? हाँ जी सर हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ, तो अब ये फॉर्मूला हमारा सर बन गया है, तो इसको क्या करते हैं, अभी तो ये था कि वैल्यू दिखाया, अब देखिए सीधी सीधी चीज देख रहे हैं आप कि सब में एरर आ रही, जहां वैल्यू मिल गई मिल गई, तो मैंने क्या करना है एक इस एरर का फॉर्मूला है। अब मैं एरर में लगा दूंगा, मेरे को एरर नहीं चाहिए, हाँ, तो हाँ उसके लिए इज एरर होना चाहिए, राइट ना? हाँ नहीं एरर नहीं चाहिए उसके लिए, इफ एरर चाहिए पता लगाने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें हमें दिमाग से काम लेना है, इससे हमें खाली हाँ नहीं बुलवाना है, यानी ट्रू फॉल्स बुलवाना है, और ट्रू फॉल्स जब बोलेगा जब हम उससे ट्रू फॉल्स वाला सवाल करेंगे, तो मैंने इज एरर किया, इज एरर ऐसा फंक्शन है जो ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है, मैं इससे पूछ रहा हूँ एरर आ रही नहीं, है कि अगर मैं नहीं आ इज रही। एरर लगाता हूं, अब इज एरर का क्या मतलब हुआ? जैसे इज एरर मैंने लगाया उसको, अब उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे? इस एरर में कोई भी आप जो भी अंदर वैल्यू पड़ी होगी इसके, वो ये चेक करेगा इसके अंदर एरर आ रही है कि नहीं, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करेगा।
अब देखिए यही फॉर्मूला अभी सबसे मान लो पहले, जहां 7 जनवरी है, 7 जनवरी में क्या दिखाएगा वो? 7 जनवरी में ये रहा सर, आपको फॉल्स दिखाएगा कि ट्रू दिखाएगा? फॉल्स फॉल्स दिखाना दिखाएगा, चाहिए। फॉल्स दिखाएगा। बट हाँ फॉल्स। अब बात ये है कि हमारा जो लॉजिकल कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करता है उसे ट्रू चाहिए तब काम करेगा। कलर मैं करवाना चाह रहा हूं तो मुझे ट्रू चाहिए तब फॉर्मेट करेगा वो। अब ये तो, अब इसमें क्या करेंगे, एक नॉट का फॉर्मूला है जो आपके ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी? तो इसके पार लगा दीजिए नॉट का फॉर्मूला। ओके अब ये आपका, अब आपकी आ गई उसके लायक। ठीक है सर, पर ये इसमें सब फिर लोग सारे फाल्स दिखाएगा। इसमें सारे फॉल्स दिखाएगा, जहां ट्रू दिखाना चाहिए, जहां मैं मांग रहा हूं ट्रू दिखाना है, क्योंकि तो इसी ट्रू के बेस पर ये कलर करेगा। ठीक है सर, ओके अगर अगर ट्रू के बेस पे अगर लॉजिकल टेस्ट अगर आप अभी आप लगाएंगे ट्रू की जगह, इसको फॉल्स की जगह भी हम कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? अब ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। ये फॉर्मूला अपने अगर हम ऑटोमेटिक नॉट नहीं लग अगर हम हाँ मान लो नॉट नहीं लगाते, सपोज कर लो है संदीप, जी हाँ जी तो हमारा होता है इज देयर एरर, वी लुक अप, जो भी होता। अभी क्या होता, वो सारे के सारे आपको ट्रू देता, बाकी यहां यहां फॉल्स देता जो उसकी लिस्ट में पड़े हुए हैं, ठीक है ना? हाँ जी अब जो उसकी लिस्ट में पड़े हुए हैं वो फॉल्स है, तो उसी को हम काला पीला नहीं कर सकते? नहीं सर, फॉल्स पे ये वर्क नहीं करता कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये ओके खाली ओके ट्रू वैल्यू दोगे, वो पहले आपसे ही पूछेगा कि ट्रू कहाँ है, ट्रू दिखाओ मुझे ट्रू कहाँ है। अब ट्रू नहीं दोगे जब तक वो सुनेगा ही नहीं आपकी। तो ट्रू, अच्छा, उसको टू दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, तो पहले ट्रू दिखाओ उसे, फिर जो बोल जी काम बोलो उसको। हाँ, तो पहले उसको टू शो करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये देखिए ना, इसमें आप देखते हैं फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू, मतलब वही फॉर्मेट करूंगा जहां ओके वैल्यू ओके ट्रू है, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है हाँ, तो जी इसलिए उसको अपने को उल्टा दिखाना पड़ा, क्योंकि अपने को ये हाँ ट्रू चाहिए भाई, ये वाली जो हॉलीडेज हैं ये ट्रू होनी जरूरी है, राइट ना? करेक्ट सर। अब फॉर्मेट कर देते हैं इसको, अपने फिल में जाके थोड़ा सा ऑरेंज कलर ले लेते हैं, या कोई ये वाला। अरे आ गया, नहीं आप क्या काला कर रहे हैं उसको? मैं जा उसको ऑरेंज करना चाह रहा हूं पर मेरा माउस साथ नहीं क्या यार, आप 26 जनवरी पे मुंह काला कर रहे हैं उन लोगों का, गलत है यार। ओके। अब मैंने क्या कर दिया, अच्छा यहाँ फॉर्मेट अप्लाई कर दिया मैंने, ऊपर कर दिया उसके, कोई बात नहीं। अब मैं वहां से मैं नीचे ही करूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाल दिया मैंने। ये थोड़ा सा अलग से कलर का दिखाएगा आपको, वाह मजेदार। चलेगा ना, अपने को तो डिफरेंशिएट ही करना है ना। हाँ जी, अब यहाँ ये तो हो फॉर्मेट, गया हमारा कोई कलर कोडिंग। अगर हमने उसमें उस कॉलम में कुछ टेक्स्ट दिखाना है, हॉलीडे, HOLIDAY, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा उस पर सर बढ़ेंगे अभी आगे। अभी पहले तो हम खाली ठीक कलर कर रहे हैं ये हर एक। ठीक देखिए है ठीक अभी है हम फॉर्मेटिंग पार्ट पे वर्क कर रहे हैं, वैल्यू पार्ट पे तो जितने फॉर्मूले मैंने लगाए वही सारे इसमें लगा दें। तो फॉर्मूले वैल्यू वाले तो जो, आ गया हाँ समझ। फॉर्मूले वाले, जब आपको वैल्यू पे बात करनी है तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पर जब आपको फॉर्मेटिंग की बात करनी है तो फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब इसको बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने देखा है खाली आप जो पिक्टोरियल व्यूज हैं, कलर है या आपका टेक्स्ट बॉर्डर चेंज करना है, एक डंडी कम करनी है, दो डंडी कम करनी है, सारी डंडी कम करनी है, बट उसी के अंदर हम कुछ कुछ लिखना चाहें या कुछ और पिक्चर उसमें देना चाहें, ऐसा ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग? नहीं सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर वो फॉर्मेटिंग ही होती है सर, उसका नाम ही है फॉर्मेटिंग। अब लिखना चाह रहे हैं अच्छा तो अच्छा वैल्यू की बात हो रही है, तो वहां फॉर्मूला लग जाएगा फिर आपका।
अच्छा लिखना चाह रहे हैं तो वैल्यू की बात, ठीक है। हाँ, और मेरे ख्याल से पिक्चर भी शायद पॉसिबल है। मान लो जैसे हॉलीडे आए, उसमें बंदा बंदा आराम कर रहा है, उस तरह की पिक्चर चाहिए, ठीक है ना। मान लो मेरा 26 जनवरी और 7 जनवरी को बंदा आराम कर रहा है, मैंने गूगल से फोटो उठाई कि बंदा आराम कर रहा है, और वो मेरे को आराम वाला जो फोटो है वो उठा के इस कॉलम में घुसड़ जाए। मेरी बात समझ गए? हाँ हालांकि इतना जी, समझ गया हूँ। डिटेल में मैं जा रहा हूँ, जस्ट 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 फॉर एग्जाम्पल मैं पूछ। हाँ, हम अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मेट वाले में देख लेते हैं, अगर ऐसी कोई चीज होती हो तो। पर ये हाँ, तो उधर भी नहीं, मेनू फिक्स है ना, ये प्रॉब्लम है। ये मेरे को कुछ करने तो दे, माउस नहीं चल रहा। फिर भी आपने इतना खींचा, वो भी यार गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबसे नीचे ये माउस नाच नाच के, एक तो मैं कीबोर्ड से ला रहा हूँ, ये माउस नाच के उसमें काम खराब कर दिया। इसके चला गया यहाँ। आ जा आ जा। हाँ, यहाँ अब के, पकड़ा इसने। हाँ जी, इसके फॉर्मेट में देखते हैं पिक्चर है क्या, क्योंकि तो पिक्चर मैंने ट्राई नहीं की कभी। और यहाँ पे फिल इफेक्ट्स आ रहा है, फिल इफेक्ट, इफेक्ट्स में तो सर इफेक्ट भर दिए मैंने, मोर कलर में हाँ हाँ वो स्टैंडर्ड कस्टम कलर ही है, ये पैटर्न में हाँ कलर नहीं है, पैटर्न नहीं स्टाइल है। नहीं, पैटर्न भर सकते हैं इसमें, कलर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ, मतलब पिक्चर का कोई ऑप्शन नहीं है, पिक्चर का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, होना चाहिए कम से कम कुछ समझ गया। तो ही कर सकते हैं, ओके ओके, इनकी ठीक है सर। स्टैंडर्ड मेन्यू में जो है वही रहेगा अभी तो, एज ऑफ नाउ। हाँ जी हाँ जी, बाकी सेल में हम पिक्चर डाल सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो पूरे पेज में आती है, सेल में कमेंट्स के अंदर मैं डाल सकता हूँ बल्कि। अब देखिए एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, अब 26 संडे के होने के नाते 26 जनवरी में तो वैसे ही छुट्टी है, पर ये मुझे दिखा रहा है कि नहीं उस दिन वो है, 26 जनवरी है वो ये। ओवरलैप हो गया ना आपका येलो और हाँ, वो। अब ओवरलैपिंग में क्या होता है सर, हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं ओके, कि कौन सी वाली पहले इसको होनी पीला है। दिखाना है कि नीला दिखाना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, पहले तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, पहले हमारा दिस वर्कशीट, ये शी दिस वर्कशीट में कितने, अरे दिखा दे तो अब। अच्छा, प्रायोरिटी की बात कर रहे थे, तो पीले वाले की प्रायोरिटी ज्यादा करनी है हमें, हमें उसे सिलेक्ट करके ये यहाँ से ऊपर कर देना, जिसकी प्रायोरिटी है आप उसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है जी, अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई हो गया। हाँ, यहाँ से कर देते हैं HLR, और यहाँ पे मेरा जो करंट सिलेक्शन से दिस वर्कशीट बुक के ले लिए मैंने, और ये यहाँ पे जरूरत नहीं है, डिलीट टूल, पीला वाला मैंने पहले कर लिया। अच्छा, स्टॉप इज ट्रू यहाँ पे आ रहा है, इसको डाउन ले आऊँ, अप्लाई कर, नहीं आया, अप्ले आऊँ, अप्लाई कर, नहीं ले रहा, किसी एक को स्टॉप करना होगा, अगर स्टॉप इज ट्रू। अच्छा, पहले ऊपर से चेक करता आएगा, यहाँ पे रुक जाए अगर ट्रू हो, नहीं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाँ आ गया सर। स्टॉप इज ट्रू क्या होता है कि ऊपर से चेक करता हुआ है, पहले इसने चेक किया ब्लैंक है कि नहीं, वो अपने बॉर्डर बॉर्डर पे तो कंटिन्यू रहा, फिर इसने चेक किया कि पीला है कि नहीं, मतलब ये अपना पीला नीला जो करना था कर दिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि पीला हो ही गया है तो इसकी जरूरत नहीं,
तो मैंने इस पे यहीं पे स्टॉप करवा देना है कि नीचे आने की जरूरत नहीं, तुम मेन वापस जाओ हाँ, तो नीले पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अगर मैं से। अभी नीले पे क्लिक करता मान लो, तो फिर नीले पे आके रुकेगा वो? हाँ जी हाँ जी, फिर वो मतलब फिर वो क्लिक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट ही है। जहां मैंने स्टॉप एज ट्रू कर दिया वो वहीं आके रुक गया, मतलब नीचे नहीं बढ़ा उसने। ठीक है, कंडीशन एक एक करके चेक करता है सर, एक साथ नहीं चेक करता कभी। ठीक है ओके। जी, इसको सर कल कंटिन्यू करेंगे दोबारा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम ऑलरेडी हो गया है, अभी आप अपना डिनर विनर हो गया आपका कि नहीं संदीप? नहीं सर, मैं तो क्लास के बाद ही करता हूँ, नहीं तो 7:30 बजे के तो मतलब 8:30 बजे करना पड़ता है मुझे, नहीं तो 12 बजे हो जाता तो सोते कितने बजे हैं आप फिर? है। मैं अभी मतलब बारह वही तो है, बज हाँ जाता होगा। 12:30 करीब सो जाता हूँ, फिर 6 बजे फिर उठना पड़ता है। लेट कितना भी सोऊं सर, उठना है तो 6 ही बजे। क्यों, 6 बजे भी क्लास होती है आपकी क्या संदीप, नहीं अभी फिलहाल या नहीं आपकी चल खुद की रहा, क्लास होती है? अभी फिलहाल नहीं चल रही है, पर मेरी खुद की क्लास जो है वो 7 बजे होती है, पर उठना तो 6 बजे पड़ता है तभी जा पाता हूँ।